जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में एक ऐसे खूबसूरत से दिखने वाले जीव के बारे में बात करेंगे जिसे देखते ही हमें पकड़ने का जी चाहता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में तितली के बारे में बात करेंगे तथा उसके जीवन चक्र के विषय में भी समझेंगे। तितलियाँ अनेक रंगों व आकारों की होती हैं। तितलियाँ दुनिया की सबसे सुंदर जीवों में से एक होती हैं। यह जीव शाकाहारी होता है जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तितलियाँ विश्व भर में लगभग 18,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें भारत में लगभग 1500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया के सबसे सुंदर जीव तितली को इस रूप में आने के लिए किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है तथा यह पैदा कैसे होती हैं, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तितली के जीवन चक्र के बारे में। तितली के जीवन चक्र को हम विभिन्न वर्गों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। तितली के जीवन चक्र को मुख्यतः चार वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहली अवस्था है अंडा अवस्था। तो आइए देखते हैं तितली के जीवन चक्र की पहली अवस्था को। जब एक नर तितली अपने रंग व आकार के आधार पर मादा तितली से संबंध स्थापित करता है तो मादा तितली सैकड़ों अंडे देती हैं। मादा तितली उनमें से कुछ अंडों को छोड़ देती हैं तो कुछ को उड़ते समय गिरा देती हैं और कुछ अंडों को ऐसे पेड़ पौधे पर रखती हैं जो पैदा होने वाले कैटरपिलर का भोजन बन सके। तितलियों का वर्ष में एक बार प्रजनन का समय होता है, लेकिन अनेक प्रकार की तितलियां होने से इनका प्रजनन काल साल भर चलता ही रहता है, परंतु वसंत ऋतु और पौधे के विकास के समय अधिक होता है। तितलियों के अंडों का जीवन काल 6 से 7 दिनों का होता है। इसके बाद ये अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं तितली के जीवन चक्र की दूसरी अवस्था को, जिसे लार्वा अवस्था कहते हैं। जब अंडा 5 या 6 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर लार्वा खुद को विकसित करने लगता है। अंडे के बाहरी कवच तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसका मुख्य ध्येय खुद को बड़ा करना होता है, क्योंकि यह अंडे को तोड़ते समय आकार में बहुत छोटा होता है। वयस्क होने तक लगभग 80-90 गुना तक बढ़ जाता है, इसलिए वह उसी पौधे को खाना शुरू कर देता है जिस पर वह पैदा हुआ होता है। ज्यों ही कैटरपिलर खाना शुरू करते हैं तो बढ़ने लगते हैं। कैटरपिलर का बाहरी खोल बढ़ता नहीं है, अतः कैटरपिलर खुद को बढ़ाने के लिए कई बार पुराने खोल को खिलाना बंद कर देता है और वे गिर जाते हैं। कैटरपिलर का शारीरिक बनावट वयस्क तितली से बहुत ही अलग होता है। कैटरपिलर की न तो पंख होती है और न ही आँखें होती हैं। तितली के जीवन चक्र का यह अवस्था लगभग 2 से 3 सप्ताह तक होती है। इसके बाद ये अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। तो आइए देखते हैं तितली के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे प्यूपा अवस्था कहते हैं। जब एक कैटरपिलर पूर्णतया विकसित हो जाता है तो वह खुद को अगले परिवर्तन के लिए प्यूपा में बदल देता है। प्यूपा देखने में निर्जीव सा लगता है, लेकिन प्यूपा के अंदर कैटरपिलर तेजी से खुद को तितली में बदल रहा होता है। कैटरपिलर से ही तितली को बनाने वाले सुंदर भाग बनते हैं। प्यूपा के अंतिम समय तक कैटरपिलर के सभी अंग बदल चुके होते हैं। इस समय कैटरपिलर खुद को खिलाता नहीं है। यह चरण तापमान और तितलियों की प्रजाति के आधार पर 8 से 15 दिनों की होती है। इसके बाद ये अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। तो आइए देखते हैं तितली के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। जब प्यूपा के अंदर कैटरपिलर अपना परिवर्तन पूर्ण कर लेता है, तब पूर्ण रूप से विकसित तितली प्यूपा को तोड़कर बाहर निकल जाती है और कुछ आराम करने के बाद अपने पंखों में रक्त प्रवाहित करती है ताकि वह अपने भोजन के लिए उड़ सके। सामान्यतः तितली 3 या 4 घंटों में उड़ना सीख जाती है। उसी पल से वयस्क तितली नए प्रजनन चक्र के शुरू करने के लिए साथी की खोज में निकल जाती है। इस तरह से एक तितली के संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से जीवन चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।